यूपी बिहार बोले हर जगह से आके यहाँ पर रहते हैं। मुंबई की लाइफ भैया ऐसी होती है, देख रहे हैं कहीं भी आप, ऐसा नहीं है किसी छोटे छोटे, सब लोग मतलब बहुत दूर दूर से। नीचे जो है कितना कचरा पट्टी यहाँ देख सकते हैं, पूरा जो है ऐसा यहाँ पे जो पट्टी ऐसे जो रूम रहता है वो इस रूम बनाए थे। तो स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, कैसे हो आप सभी लोग, आशा करता आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो ला के आ रहा हूँ क्योंकि पट्टियों का बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। तो आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ बांद्रा की ईस्ट में जो कि बहुत सही झोपड़पट्टी है, बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वहाँ का जो नज़ारा कैसे दिखाई देता है। अभी फिलहाल मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ जो कि बांद्रा ईस्ट में आकर खड़ा हूँ। हमारे पीछे देख रहे हो जो है बेस्ट है, ठीक है, वो वाला बेस्ट है जहाँ से भी हम आए हुए हैं, इस तरफ जो है बेस्ट है। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ईस्ट में ब्रिज है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखेंगे पूरा जो देखेगा बहुत दूर दूर है। और अभी हम आपको चल के दिखाने वाले हैं जो कि बांद्रा ईस्ट में बहुत सही झोपड़पट्टी बनाई है भाई, मतलब देखे तो कम से कम 5-6 मतलब 10 किलोमीटर में बड़ी बड़ी झोपड़पट्टियाँ हैं, ठीक है, वहीं पर लोग कैसे रहते हैं, मतलब दुकान वगैरह उसमें सब अपना चालू करके रखे हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और आपको ना पूरा देखिए, हमारे पीछे जो देख रहे हैं ना वही जो झोपड़पट्टी है ईस्ट का, और आपको ना आज पूरा टूर कराया उन्होंने बांद्रा ईस्ट का। तो चलिए आप लोग वीडियो में लिए और चैनल पहले मैं जिनको सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले, वीडियो को जो है शेयर करिए। दोस्तों देख सकते हैं ये है बांद्रा ईस्ट का नज़ारा जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, और देखिए अभी मैं स्टेशन पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं सामने ये ईस्ट में जितनी सारी झोपड़पट्टियाँ आप देख सकते हैं, बहुत झोपड़पट्टी यहाँ पे भाई है, देख रहे हैं छोटी छोटी दुकानें हैं, झोपड़पट्टी देखिए काफ़ी दूर तक आप देखने मिलेगा, देखते हैं। और नीचे जो है यहाँ पे देखिए ऊपर जो टिकट मिलता है ये प्लेटफार्म है जहाँ पे टिकट मिलता है लोकल ट्रेन की, और देखिए इधर जो झोपड़पट्टी है और इस तरफ देखेंगे तो आपको भी इस तरफ भी जो बहुत सारा झोपड़पट्टी देखने मिलेगी जैसे देख रहे हैं। और ये ब्रिज बनाया गया है ईस्ट में जाने के लिए, ठीक है, और आपको देखेंगे तो इधर जो है पूरा बेस्ट है, ठीक है, जहाँ पर आप शाहरुख खान के घर जाने के लिए इधर से जो है ऑटो वगैरह बस वगैरह पकड़ सकते हैं। देखिए इधर से हम लोग आए हैं अभी और ये पूरा जो है मतलब वो वेस्ट है, और जब ये यहाँ पे खड़े हुए हैं ना ये पूरा जो है ईस्ट है, देख सकते हैं इधर पूरा जो है देख रहे हैं बहुत दूर तक जो है। देखिए भाई ये देखिए एक ऊपर एक बनाया गया झोपड़पट्टी, और देखिए कितना मतलब अंदर का मैं दिखाता हूँ भाई, देख रहे हैं बहुत ही बोले तो इधर से देख सकते हैं इधर पूरा बनाया गया है, और इधर देखिए बहुत दूर दूर तक आपको देखने मिलेगा, जैसे पीछे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको देखने मिलेगी। ये होती है भाई मुंबई की लाइफ, देख रहे हैं ये बांद्रा है, बांद्रा मतलब ईस्ट का नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं बहुत ही मुश्किल है। अभी चलते हैं इसके आगे चलेंगे, देखेंगे देखिए उस तरफ भी है पूरा, आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। और आपको देखिए नीचे जो है देख सकते हैं पूरा नीचे जो है ना रास्ता है, कितना कचरा वगैरह है यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए, और जो इधर देखिए सब नीचे लोग बैठे हुए हैं देख रहे हैं, और इस तरफ जो है आपको प्लेटफॉर्म इस पर जो टिकट मिलता है लोकल ट्रेन, और देखिए यहाँ देखिए ईस्ट का ये वेस्ट का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ से जो है आप जो है देखिए अंधेरी जाने के लिए इस रूट पे आएंगे तो आप अंधेरी जा सकते हैं जैसे कि देख ही रहे हैं, और देखिए पूरा यहाँ पूरा वहाँ तक खाली दिख रहा है भाई, और देख सकते हैं ये देखिए मतलब बहुत ही ये बांद्रा स्टेशन बोले तो बहुत ही बड़ा है। अभी हमको आगे जाना है, देखिए इस तरफ से आप देख सकते हैं इस तरफ जो झोपड़पट्टी है ये, और इधर जो है पूरा ये देखिए यहाँ का नज़ारा भाई, ठीक है। अभी मैं आपको चलता हूँ और आगे जाऊँगा और भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही दूर दूर तक झोपड़पट्टी है, और देखिए यहाँ पे दुकानें वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, दुकान वगैरह सब यहाँ पे लगाया गया है, और इसके अंदर अंदर भाई दुकान है, देख ऊपर जो है ना ऊपर दुकान, नीचे जो है कपड़ा वपड़े दुकान रखे, देख धूप में दोस्तों यहाँ पे जो है धूप में बहुत सारे लोग दुकान वगैरह अपना रखे हुए हैं। तो चलते हैं और आगे आपको हम दिखाते हैं। तो भाई देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ पूरा जो काफ़ी जो दूर तक जो काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है, मतलब काफ़ी जो है ये देखिए पटरी पे है, यहाँ देखिए पटरी भी गई हुई, ठीक है, और ये देख सकते हैं यहाँ से दुकान वगैरह सब है, इसी में सबका घर रहता है, दुकान रहती है, इसी में सोते हैं, इसी में भाई अपना धंधा धंधा सब करते हैं, देख रहे हैं अपना काम वगैरह इसी में चालू करते हैं, देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं भाई। तो ये है भाई बांद्रा स्टेशन जो कि बांद्रा के पास में जो ऐसे ऐसे लोग भाई यूपी बिहार बोले हर जगह से आके यहाँ पर रहते हैं। मुंबई की लाइफ भैया ऐसी होती है, देख रहे हैं कहीं भी आप, ऐसा नहीं है किसी छोटे छोटे, सब लोग मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ पे आके रहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा भाई मुंबई में जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और ये सब अभी मैं चलता हूँ इसके अंदर, देखता हूँ अंदर कैसा रहेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ऊपर देखिए उधर भी जो है बहुत दूर दूर तक मतलब एक के ऊपर एक बनाया गया भाई, ठीक है। ये सब बहुत मुश्किल होता है बनाना, पत्रा का पूरा बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल हो सकता है भाई। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं आपको यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। और देखिए ये बांद्रा का पूरा स्टेशन है, यहाँ का नज़ारा है, तो चलते हैं और आगे जो है आपको जो दिखाते हैं भाई, ठीक है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये है बांद्रा ईस्ट का पूरा झोपड़पट्टी का नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक ऊपर एक कैसे बनाया गया देख रहे हैं आप, बहुत ही मुश्किल होता है भाई यहाँ पर रहना, जैसे कि
मतलब स्टेशन के बगल में ही है ये लोग। ठीक है, चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कैसा और अंदर क्या नज़ारा है, फिर आपको पूरा जो टूर कहते हैं। और अभी स्टेशन पे खड़े हुए हैं फिलहाल, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा कैसा रूम है और रूम रेंट क्या, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं भाई, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ क्या नज़ारा, देख देख रहे हैं कैसे कैसे रूम है, देखे छोटे छोटे रूम यहाँ पे जो बना हुआ है, देख रही है, देखिए अंदर बोतल वगैरह सब रखा हुआ है, देखिए बहुत दूर तक आपको देखने मिलेगा। अभी यहाँ से अभी मैं स्टेशन के ऊपर ही खड़ा हूँ और देखिए भाई नीचे जो है कितना कचरा पट्टी, यहाँ देख सकते हैं पूरा जो है ऐसा, यहाँ पे जो पट्टी ऐसे ऐसा रूम रहता है। और इस रूम का जो रेंट जो है बहुत ही महंगा होता है, जैसे कि आपको बता दूँ बारिश के टाइम पर जब आता है ना, ये पूरा जो है पानी वगैरह भी चूता है, देख सकते हैं ऊपर से कैसा, यहाँ पे कोई पक्का नहीं है, सब जो है पतरा डाला हुआ है। ठीक है, देखिए वहाँ से लेके यहाँ से लेके वहाँ तक जो है पूरा आपको देखने को मिलेगा। और अभी देख सकते हैं नीचे, देखिए कुछ लोग यहाँ पे हैं और देखिए ये जो रूम देख रहे हैं भाई, बहुत ही मुश्किल होता है भाई यहाँ पे रहना मुंबई में, अगर आपको कैसे भी रहना है। मुंबई जो झोपड़पट्टी की लाइफ होती है ना, ऐसी होती है भाई, देख रहे हैं ये, देखिए आप देख सकते हैं दूर दूर तक आपको जो है देखने को मिलेगी झोपड़पट्टी। और भी आगे चलते हैं, अभी तो दिखाते हैं, ठीक है बहुत दूर तक है, जैसे कि हम चलेंगे और इस तरफ जाएंगे वहाँ देखिए उधर से तो आपको हम दिखाते हैं, चलते हैं और आगे आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों आप अंधेरी ईस्ट में आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ऑटो की यहाँ पे मतलब ऑटो रिक्शा यहाँ पे मिलेगा, आपको जहाँ भी जाना है यहाँ से आप जा सकते हैं। देखिए भाई बहुत ऑटो खड़ा है भाई यहाँ पे, देख रहे हैं कितना ऑटो, देखिए इधर जो झोपड़पट्टी है देख रहे हैं, ये झोपड़पट्टी का नज़ारा इधर देख रहे हैं और देखिए जो इधर जो है पूरा ऑटो है। और ये है ईस्ट का नज़ारा, देख सकते हैं काफ़ी जो है भाई बड़ा है ईस्ट, यानी कि मैं पहली बार खुद ही यहाँ पे आया हूँ, जो कि आप देख रहे हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑटो वगैरह खड़े हैं, सबसे ज़्यादा ऑटो दिख रहे हैं भाई यहाँ पे, देखते हैं ये देखिए कितना सारा ऑटो दिख रहा है भाई आप देख रहे हैं। और इधर देखिए पूरा झोपड़पट्टी, ये देख रहे हैं, ये देखिए पूरा झोपड़पट्टी का नज़ारा आपको इधर देखने को मिलेगा। और उस तरफ देखिए आगे जाएंगे ना आपको थोड़ा धराबी भी मिलता है, ठीक है धराबी एरिया भी उस तरफ आगे पड़ेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देख रहे पूरा जो है यहाँ पर आपको जो ऑटो देखिए कितना ऑटो देख रहे हैं भाई, बहुत ऑटो है भाई देख रहे हैं। और झोपड़पट्टी का नज़ारा इधर देख सकते हैं, ये देखिए पूरा, तो इतना ऑटो भाई मुंबई में सबसे ज़्यादा ऑटो ही है, अगर ऑटो ना रहे तो भाई लोग जो है जा ना पाए, ठीक है। और जो लोकल ट्रेन होती है इससे भी लोग जो है चले जाते हैं, इधर देख सकते हैं पूरा। और इधर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं आगे चल के पूरा जो है यहाँ पे ऑटो वगैरह है। और देखिए झोपड़पट्टी यहाँ पर लोग जो है कैसे भी रहते हैं, देखिए बना बना के, तो चलते हैं और आगे आपको दिखा देते हैं। तो भाई यहाँ पर इतना ऑटो वाले हैं कि आपको उतरते ही ना घेर लेंगे, ठीक है यहाँ भी बहुत ज़्यादा ऑटो वाले हैं। तो फिलहाल चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है, यहाँ से हम लोग ऑटो नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग पैदल जाते हैं, तो ज़्यादा दूर तो नहीं, यहाँ पे नज़दीक में ही, देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं भाई ये जो अभी हम ईस्ट में उतरे हुए हैं। और ईस्ट में देखिए ईस्ट का नज़ारा देखते, बहुत कम से कम एक से एक डेढ़ लाख लोग जो है ईस्ट में बसे हुए हैं। और झोपड़पट्टी में देख सकते हैं भाई ये देखिए बहुत ही, और इधर देखिए इधर से आगे पूरा देखिए इधर पूरा जो है, आप यहाँ पर उतरेंगे ना तो आपको जो है ऑटो जितना मिलेगा ना आपको पागल हो जाएंगे भाई, बहुत ज़्यादा ऑटो है देखिए। और ये देखिए स्टेशन है, स्टेशन के बगल में जस्ट इतनी झोपड़पट्टी है कि आप देख ही पा रहे हैं। और आगे चलते हैं देखते हैं कितना, मतलब अंदर जाने का कहीं चांस नहीं मिल रहा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे अंदर जाने के लिए, देखते हैं किधर से जाते हैं। और आप देखिए कितना ऊपर ऊपर झोपड़पट्टी यहाँ पे बना है भाई, कम से कम एक लाख से ज़्यादा यहाँ लोग बसे हुए हैं। तो अभी हम और आगे चलते हैं, देखते हैं कितना मतलब झोपड़पट्टी यहाँ पर हो, जिससे चीज़ें आपको दिखाते हैं, क्योंकि ईस्ट में बहुत सारे लोग भाई आते हैं, वेस्ट में तो सब रहते हैं, ईस्ट में कौन कौन रहता है वो भी आपको जानकारी देने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो गाइस देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा अंधेरी सॉरी बांद्रा ईस्ट का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप बाजू में जो नाला है, और जो कम से कम नहीं तो आपको बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ देखने को मिल रही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं ये देखिए भाई कुछ पक्के घर भी हैं, और जो है इतना ही पक्का घर है लेकिन ये मस्जिद है मेरे ख्याल से इसलिए इसमें, और बाकी देखते हैं झोपड़पट्टी देखिए भाई ये देखिए मतलब सब एक के ऊपर एक, कितना ऊपर ऊपर बना है भाई देख रहे हैं। और इधर का रूम जो है भाई बहुत ही महंगा है मेरे हिसाब से। और चलते हैं अभी देखते हैं कोई मिलता है तो बात करते हैं, जैसे कि कोई अंकल चाचा फिर भी जो भी हो देखते हैं, ठीक है चलते हैं अंदर और आपको हम दिखाते हैं पूरा ईस्ट का जो है कितना रूम रेंट है, ठीक है। तो आप तो अभी हम पहुँचे हैं अंधेरी ईस्ट में जहाँ पर खड़े हुए, देखिए भाई यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं पूरा बहुत ही मतलब झोपड़पट्टी, कम से कम एक लाख लोग यहाँ पर बस भाई एक लाख लोग से ज़्यादा। और हम जहाँ खड़े देखिए यहाँ पर ऑटो वगैरह अभी खड़ी हुई है, और ये अंधेरी बांद्रा सॉरी बांद्रा है ठीक है, बांद्रा स्टेशन है जहाँ पे अभी हम ये देखिए यहाँ पे जो ऑटो वगैरह खड़ा हुआ यहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए सामने देख रहे हैं ना, इसके अंदर हम जाने वाले हैं और देखने वाले हैं इसके अंदर क्या है और कितना मतलब कितना दूर तक कितनी गलियाँ यहाँ पे घूम पाते नहीं घूम पाते आपको दिखाने वाले हैं, तो देख सकते हैं देखिए भाई यहाँ से। तो चलते हैं अभी इसके अंदर जो है, और इसके अंदर चलते हैं आज आपको ना बांद्रा ईस्ट का पूरा जो है टूर कराते हैं झोपड़पट्टियों का, कि अंदर से कैसे अंदर से कैसे दिखाई देता है भाई, तो अपना वीडियो बने चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं, ठीक है।
दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर, देख सकते हैं साइड में जो रूम है और बाजू में देखिए नाला बहुत बड़ा बना है यहाँ। मतलब अंदर जो है कितना मुश्किल होता है अंदर रहना, ठीक है। छोटी छोटी गली रहेगी और उस गली में ना एक से ज़्यादा दो लोग जा भी नहीं पाएंगे भाई, देख रहे हैं। ये है बांद्रा का ईस्ट एरिया जो अभी हम घुसे हुए अंदर, और आज आपको हम पूरा जो टूर कराएं। देखिए भाई यहाँ देख रहे हैं, सामने देखते हैं कितना मतलब ऊपर पन्नी उन्नी लगा के सब लोग रहते हैं, और नीचे जो है ड्रम व्रम वगैरह है। देखिए यहाँ से एक रास्ता है शायद अंदर जाने के लिए, हम आगे जाते हैं आगे, तो हम कोशिश करेंगे देखते हैं क्या है आगे। और उसके बाद जो है आगे रास्ता नहीं है भाई, देख रहे हैं सीढ़ी देख रहे हैं कैसा बना है, देखिए आगे जो रास्ता नहीं है। और आगे देखते हैं, अगर रास्ता है तो हम ज़रूर जाएंगे, लेकिन जो है आगे यहाँ पे रास्ता नहीं है, ठीक है। तो फिर वापस जाते हैं, देखिए ये जो है चाचा जो है इसके अंदर जा रहे भाई सामान लेके, इसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। देखिए बाप रे कितना छोटा गली है भाई, अंदर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है, और पूरा अंधेरा है भाई, वीडियो में नहीं आएगा मुझे लगता है दोस्तों। फिर भी अंदर चलता हूँ और देखिए इसके अंदर है, देख रहे हैं अभी घुसता हूँ इसके अंदर, देख रहे हैं भाई साहब कितना मतलब अंधेरा है। देखिए अंकल आ रहे हैं अब आने में जो है, अब देखिए भाई यहाँ से अभी जाते हैं अंदर, ठीक है। देखिए कितना मतलब, देखिए इसके अंदर जो है काम वगैरह भी चल रहा है, और देख सकते हैं भाई अगर कोई आता है, देख रहे हैं सामने लोग जो खड़े हैं उनको धक्का भी लग जाता है, इतनी मतलब छोटी कर ली है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर भाई फैक्ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा है यार, मतलब फैक्ट्री वगैरह मैं देख रहा हूँ, दुकानें बहुत हैं अंदर, छुपी छुपी दुकानें, देख रहे हैं लोग जो है लेके जा रहे हैं। देखिए भाई अपने मतलब काम वाम, मतलब फैक्ट्री है ना अंदर, तो इसके अंदर जो है कपड़े वगैरह हर चीज़ मुझे लगता है, देखिए सब लोग काम करने वाले हैं भाई, लेडीज़ लोग भी यहाँ पे काम करती हैं, क्या करें भाई, मुंबई में हर लोगों के लिए काम है, हर तरीके से काम है, लेकिन जो रहते हैं ना उनकी लाइफ देख सकते हैं, मतलब ऐसा है यहाँ पे पूरा आजू बाजू में नाला है, बीच में जो है देखिए आप देखिए भाई अंदर ही सब कुछ होता है, दुकान वगैरह देख रहे हैं, बाजू सामने कचरा वगैरह है, और यहीं पर जो है खाना वगैरह कुछ लोगों की शायद बनता है। और जो देख रहे ना ये जो नाला है, और ये जो दो लोग जा रहे हैं लोग शायद काम करते हैं यहीं पे, हमने इनसे पूछा तो उन्होंने बोला हमें काम करते, तो इसके अंदर चलते हैं देखिए, और भी आगे चलते हैं भाई, यहाँ से देखते हैं राइट अंदर घुसते हैं इसके अंदर गली के अंदर, आगे तो रास्ता नहीं है, ये आंटी आगे सटते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए भाई सब सीमेंट का बोरी कुछ सामान हुआ कबाड़ वगैरह बन के यहाँ पर रखा हुआ है, और देख सकते हैं कितना मतलब ये जो दिखा रहा हूँ ना भाई, मुंबई का मतलब बांद्रा ईस्ट का है, और बहुत ही मुश्किल रहता है भाई रहना, ठीक है। देखिए ये देख सकते हैं भाई मैं अंदर आ चुका हूँ, और भी अंदर आज आपको पूरा दिखाता हूँ, बहुत ही छोटी छोटी गली है भाई, बहुत ही बोले तो देख सकते हैं, इधर देखिए देख रहे भाई ऐसा रहता है मुंबई में भाई, ऐसी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। अगर आप कभी आते हैं रूम लेते हैं, अगर आप पहली बार आते हैं ना यहाँ पे, तो आप तो पहली बार तो भूल जाएंगे भाई किधर से जाना है, किधर से निकलना है, किधर से आना है। इसके अंदर रूम लेते हैं तो आपको पहले तो जो पुराने लोग हैं उसके साथ आना जाना पड़ेगा, वरना आप भूल रहे हैं। देखिए इसके अंदर जो फैक्ट्री वगैरह भाई काम वगैरह इसके अंदर चल रहे हैं, देख रहे हैं ये देखिए कितना ऊपर रूम है, मतलब बाहर खड़े होने की जगह नहीं है, आप जो है एक लोग जा सकते हैं, एक लोग आ सकते हैं, दोबारा अगर दो लोग आ गए तो भाई निकलना मुश्किल हो जाता है। देख रहे हैं अब आंटी खड़ी है यहाँ पे, इनको हटाना पड़ेगा। देखिए अब आगे देखिए कितना अंधेरा है, ऐसा रहता है भाई रात में, तो लाइट लगाएंगे लेकिन और अंधेरा दिखता है, डर लगता है भाई कहीं कुछ हो या ना हो, लेकिन लोग आते जाते रहते थे। यहाँ देखिए भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, तो ऐसा होता है ज़िंदगी मुंबई के अंदर भाई, देख रहे हैं। और इसके अंदर रूम की बात करूँ तो रूम रेंट जो है भाई 6,000-7,000 ऐसा भाड़ा है, क्योंकि ये बांद्रा है और महंगा एरिया है, देख रहे हैं कितना यहाँ पर काम वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप कभी आना चाहते हैं भाई, पहले आप किसी के माध्यम से आइए, और फिर उसके बाद रूम वगैरह रेंट वगैरह पता करके तब रूम लेना भाई, क्योंकि ऐसे लेंगे तो आप फंस भी सकते हैं। और देख रहे हैं कितना मतलब है, आपको दिखाता हूँ, देखिए इधर नाला, ये देखिए भाई देख रहे हैं पूरा जो है नाला है, कचरा है, और सामने जो है उस पार जो है बांद्रा वेस्ट है, देख सकते हैं कपड़े वपड़े लेके जा रहे हैं यार, एक मतलब साथ में जाना मुश्किल हो जाता है भाई, कितना मुश्किल है समझ रहे हैं। देखिए अंदर फैक्ट्री है, अब हम बाहर निकलते हैं, इधर से बहुत बड़ा है, बोले तो 1,00,000 लोग यहाँ पे होंगे, लेकिन 1,00,000 लोग के अगर घूमेंगे तो हम 2 दिन नहीं घूम पाएंगे भाई। देखिए मार्केट वगैरह है, ठीक है, बाहर निकलेंगे तो आपको मार्केट है, मतलब मुंबई में ऐसी कोई मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पे छोटी गली ना हो, और गर्दी ना हो, और झोड़पट्टी ना हो भाई, समझ रहे हो, हर जगह एक हाल है। तो आप देख ही रहे हैं, बाहर निकलते हैं।
और यही है। आज आपको दिखाया बांद्रा ईस्ट का झोपड़पट्टी का एरिया, जो कि काफ़ी बहुत बड़ा है, कम से कम 100,000 लोग से ज़्यादा यहाँ पर बसे हुए हैं, जो मैंने आज इस वीडियो में आप सभी को दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी। तो फिलहाल आज हम का वीडियो यहीं पर, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।